ये बात आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो सच्चाई होती है। देखो अब तुम सैटरडे की वीडियो तुमने मेरी देखी थी, और आज देखो सैटरडे नहीं सॉरी फ्राइडे 24th। सो गाइस क्या होता है कि मसल मैच्योरिटी और मसल मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे एब्स विजिबल हो गए, मैं कोई सांस खींच के नहीं बोल रहा हूँ, देखो नॉर्मल है ये फिजिक, बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या होता है, चलो बात करते हैं। और भाई लोग क्या हाल है। सो गाइस देखो माइक ले लूँ पहले, मैं माइक ऊपर है, अच्छा हाँ ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो बनाते हैं आज, माइक हाथ में रख के थोड़ा जूम इन। गाइज आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। वैसे तो मैं अभी निकलूंगा इस वीडियो को शूट करते ही शॉपिंग करने के लिए, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि व्लॉग दूंगा, तो वो व्लॉग शूट होगा। बट अभी आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि एब्स की जो मेरी कंडीशन है वो कैसे, मतलब आपको अभी 3-4 दिन में ऐसी विजिबिलिटी क्यों नजर आई, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्या होता है जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, तो क्या होता है कि मसल पे कोर पे काम चल रहा होता है। आप कंपाउंड मूवमेंट के वर्कआउट्स करते हो, स्क्वाट्स करते हो, चिनअप्स करते हो, कुछ भी करते हो, तो कोर पे काम चल रहा होता है। दैट मींस कि मसल टफनेस डेवलप हो रहा होता है, वो मसल डेवलप हो रहा होता है अंदर अंदर। बट गंदी डाइट, वर्कआउट नहीं करने की वजह से, और क्या होता है कि जो स्किन क्वालिटी होती है वो खराब होते रहती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि एक गंदा फैट का लेयर ऊपर जमा होते चला जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मेरी बॉडी बहुत खराब होगी। पर मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरी बात को यकीन मानो, अगर आपने पहले वर्कआउट कर रखा है डिसिप्लिन के साथ, अच्छी डाइट ले रखी है, मसल डेवलप कर रखा है, तो मसल मैच्योरिटी और मसल मेमोरी की वजह से आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पे आप देखते हो कि बंदे इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, पर आप करते हो तो आपको लगता है कि यार मुझे तो बहुत टाइम लग रहा है ट्रांसफॉर्म होने में। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिजल्ट कैसे आया। पहली बात, ये एम्प्टी स्टोमिक है, मैं आपसे झूठा कमिटमेंट नहीं करूंगा। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो एम्प्टी स्टोमिक नहीं थी, वो मैंने कुछ कुछ खा रखा था उस वजह से। ये एम्प्टी स्टोमिक की कंडीशन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपके सामने एक ऑनेस्ट और ट्रू पिक्चर रखूं, कोई फेक नहीं कि नहीं नहीं पहले तो बहुत इतना सारा फैट था और एकदम रातों रात ट्रांसफॉर्म हो गया बंदा, ऐसा नहीं होता। ये एम्प्टी स्टोमिक है, मैं फ्रेश हो गया था उसके बाद मैंने आपको ये दिखाया। लेकिन यहाँ आपने देखा कि ऑब्लिक मसल्स की थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी थी और एब्स दिख रहे थे, उतनी डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं है ना, वर्कआउट किया ना, कार्डियो ना हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ये सिर्फ क्यों हुआ, मैंने जैसे कार्बोहाइड्रेट का रेशियो कम किया बॉडी में और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर्स डाले, तो इससे क्या होता है, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल फाइबर्स जो भी गंदे फैट वगैरह होते हैं ना, एक तो आपको क्या होता है कि डाइजेशन इंप्रूव कर देता है फाइबर्स आपके लिए, आपको फुलनेस देता है। फुलनेस एज इन कि आप नहीं भी खाए हो तब भी आपको लगेगा कि आपने कुछ खा रखा है, वो एक जेल बनाता है बॉडी में जाके। कार्बोहाइड्रेट मैंने थोड़ा कम किया, प्रोटीन की रेशियो को बढ़ा दिया, ताकि क्या होगा कि अभी मैं ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, मसल रिकवरी अच्छी मिलेगी मुझे। दूसरी बात, जो कैलोरी इनटेक करना है मुझे वो तो करना ही है, तो प्रोटीन से कैलोरी का फुलफिलमेंट भी हो जाएगा। सो गाइज यहाँ एक बात आपको मतलब समझना पड़ेगा, कई लोग आपसे ये चीज़ रिवील नहीं करते। आपको क्या लगता है कि यार किसी, मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन किया, ऐसा होता है कई लोगों के साथ, मेरे पास ऐसा वो आता है, फीडबैक आता है कि सर मतलब कि मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया 3 महीने में, उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई, डेल्ट वेल्ट चौड़े हो गए, बाइसेप पर रिजल्ट दिख रहा है, पर मेरा तो नहीं दिख रहा। तो गाइज यहाँ पे वही सीन होता है, 2-3 फैक्टर्स होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनो इसको, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये सारे एक्सपेक्टेशन आपसे सेट करना जरूरी है, फिर क्लियर पिक्चर रखेंगे। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, देखो अगर सिर्फ डाइट कंट्रोल करके ऐसा एप्स दिख सकता है मेरा, ये देखो सिर्फ डाइट कंट्रोल के। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेन कहाँ काम करना है मुझे, एक ये लोअर चेस्ट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मस्कुलैरिटी है बट वर्कआउट नहीं होने की वजह से ये चेस्ट जो है लटक गया है, ये गाइनो नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। अंडर आर्म फैट, ये यहाँ पे काम करना पड़ेगा मुझे, लोअर बैक पे बहुत काम करना पड़ेगा, लोअर बैक पे बहुत फैट है, बहुत ज़्यादा फैट है, ये करना है। और इस चूँकि मैं कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइजेस करता रहता था, मैंने छोड़ा नहीं, जैसे कि स्क्वाट्स वगैरह सब किया, तो इसकी वजह से कोर मेरा अच्छा है, आपने देखा होगा कि मस्कुलैरिटी दिख रही है कोर में। तो अभी मैं सच बताऊं तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताओ कि 2 महीने में क्या मैं रिप्ड फिजिक, शेडेड फिजिक बना पाऊंगा कि नहीं, ऑनेस्टली बताना। मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, आपको जो लगता है आप फीडबैक शेयर करो। देखो नेगेटिव कमेंट्स को मैं एज एन मोटिवेशन लेता हूँ, एज ए मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, और पॉजिटिव तो हमेशा मोटिवेशन होता ही है। तो ये सीन है, नेगेटिव का कोई स्कोप ही नहीं है अपने पास। मुझसे पूछो ऑनेस्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छी डाइट रखूंगा, ढंग से वर्कआउट करूंगा, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करूंगा, रनिंग स्किपिंग सब इंक्लूड करूंगा, मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूंगा। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और चलो देखते हैं बाकी क्या होता है। 2 महीने ना भाई बहुत है, बहुत इसलिए है क्योंकि कर रखा है बंदे ने पहले, मतलब मैंने कर रखा है। सो गाइज ये
आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है ताकि आपको रियल पिक्चर मिले, क्लियर पिक्चर मिले, ऐसा ना लगे कि वो कुछ मतलब मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी आपकी नहीं हो पा रही, समझ रहे हो? दोनों में बहुत डिफरेंस होता है मेरे भाई। तो जिसकी जिसकी मसल मैच्योरिटी है, मैं एक क्लियर पिक्चर दे दूँ, जिसने जैसे वर्कआउट कर रखा है साल दो साल से और उसके बॉडी में भी मेरी तरह गंदा फैट आ गया, बल्किनेस आ गया, तो भाई फिर तो तुम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लोगे मेरी तरह सेम टू सेम। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ बस शॉपिंग के लिए, फ्रेंड को मैंने फ़ोन कर दिया है, देखते हैं, और शॉपिंग का ब्लॉग शूट करके मैं कल डाल दूंगा। दैट मीन्स संडे को तो ये वीडियो आ रही है, तो मंडे को शॉपिंग वाली वीडियो, क्योंकि आज संडे है तो आज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो आज की वीडियो एडिट करके मंडे डालूंगा, और मंडे जो वर्कआउट करूंगा वो ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा। तो एक दिन तो दे दो भाई मेरे एडिटिंग के लिए थोड़ा मुझे। और मंडे फिर वो ऑफिस का डंडा अलग से आया, फिर मैनेजर की कॉल से, भाई क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ क्या, बताओ तुम लोग, अगर बोलोगे तो मैं छोड़ भी दूंगा भाई, समझ नहीं आ रहा यार, टाइम नहीं मिल पा रहा। एनीवेज ये सब क्या कर रहा हूँ मैं। सो गाइज दैट विल बी ऑल, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और उसके बाद कुकिंग वीडियोस और वर्कआउट वीडियोस सब कुछ होगा। इस बार मैंने कमिट किया था, देख लो कमिटमेंट फुलफिल कर रहा हूँ, बैक टू बैक 3 दिन लगातार वीडियो डाली है मैंने, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैंने वापस से मेहनत करना शुरू कर दिया है, तो भाई इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। दैट विल बी ऑल, thank you so much, keep supporting, stay safe, take care, bye bye।